हेलो दोस्तों, वेलकम माय टीम न्यू ब्लॉगर। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज का सीन होने वाला है बिल्कुल नॉर्मल सा, ज़्यादा खतरनाक सीन नहीं है, नॉर्मल सीन है। तो आज हम पीली मिट्टी पे आए थे अपने पापा के वो लगवाने के लिए, वो वैक्सीन लगवाने के लिए। तो पापा के फर्स्ट डोज लग चुकी थी और सेकेंड डोज लगना बाकी थी, तो अभी हमने सेकेंड डोज लगा ली है और अभी सेकेंड डोज पापा के लग चुके हैं। हम जा रहे हैं सीधा घर, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो में आप अगर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हो, क्योंकि पता है ना आपको, क्योंकि एक आप सब्सक्राइब से मुझे कितनी ज़्यादा मिलती है मोटिवेशन। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहना। इसकी फिर से हम गली के अंदर, यहाँ पर ये भाई पबजी, हाँ भाई पबजी वो ज्यादा करा सकते हैं। पबजी फ्रॉड एकदम लग रहे, शाम के टाइम देखो ना भी आ गए इधर, वहाँ से दिखा रहा हूँ भाई, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी भरी रहती है पबजी भाई, एंड तक ना पूरी भरी रहती है भाई। मैं ज्यादा बुराई नहीं कर रहा, मैं पबजी खेलता हूँ यार कभी कभार। और डेली व्लॉग होने वाला है वैसे ही इंटरेस्टिंग सा जो भी है, अरे कोशिश कर रहा है हमारा रालो भाई, इसे आगे तक पहुँचाना भाई, लाइक कमेंट शेयर पूरा भाई, वो पूरी वॉच करो ना वीडियो, बहुत मेहनत करता है। तो मैं बताता हूँ, अभी पता है मैं अभी नहीं, थोड़ी देर पहले भाई मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, इरिटेट हो गया मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड नहीं हो रही भाई। इससे पूछे सचिन से, है सचिन बताना भाई। हाँ भाई, तो भाई 1% में बंदे ने वीडियो अपलोड करी है, 1% चार्जिंग बची थी मेरे फ़ोन के अंदर, तब जाकर मैंने वीडियो अपलोड करी। हर जगह के मैंने वाईफाई, पता नहीं कहाँ कहाँ के वाईफाई मैंने कनेक्ट कर दिया, कहीं से भी नहीं हो रही। फिर एक लास्ट जगह मैंने वाईफाई कनेक्ट करा था, मेरे दोस्त है सनी, उसके यहाँ पर, वहाँ पर जाके जियो फाइवर था वो, वहाँ पर जाके मैंने कनेक्ट करा भाई। वैसे हम नॉर्मली जो अपलोड करते हैं ना, मैं तुम्हें आज बता दूँ, रिवील कर देता हूँ मैं, हम वाईफाई वो अपलोड किससे करते हैं, वीडियो अपलोड हम करते हैं केजरीवाल के CM वाईफाई से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास तो अभी इतने वो है नहीं पैसे वैसे कि हम अपना खुद का वाईफाई लगा लें, तो इसलिए हम केजरीवाल के वाईफाई से करते हैं। तो आने वाले टाइम में कोई बात नहीं, अपने वाईफाई से भी। और दोस्तों, अभी हम वहाँ से थोड़ा आगे खड़े हुए थे, हम इधर आ गए आपके पास। ठंड हो रही है आज, वैसे भी ज़्यादा ठंड है आज। और अंकल जी भी हाथ तेप रहे हैं, और ये करण। अच्छा मुझे बताना कमेंट करके, ठंड में वैसे तो नॉर्मली सभी को हाथ तेपना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहाँ पर जो भाई बैठे छोटे से, इनका भी एक चैनल है। क्या नाम है चैनल का? फेस रिवील नहीं कर रहे। अच्छा, अभी फेस रिवील नहीं कर रहे, पर फेस रिवील तो हो गया भाई, इसलिए काट दो इसको अभी। काट दो क्यों? क्योंकि फेस रिवील तो अभी नहीं कर रहा। कब करोगे? मतलब इनका भी चैनल है, अभी फेस अभी रिवील अपनी, अभी भाई कह रहे हैं चैनल, मतलब अभी आप फेस रिवील नहीं करना चाहते। जो भी अभी हमने एक सारे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम अब सारे जाएंगे दोबारे पारा, क्योंकि पहले केवल गया था, सचिन नहीं गया था, तो इसलिए अब सचिन के साथ और जो भी एक सब्सक्राइबर दिखा था हमारा वो भी जाएगा। तुम भी जाओगे भाई? नमन भाई भी जाएंगे भाई, ठीक है। तो अभी सारे नमन सबसे ज्यादा ये मजा देने आएगा असली असली नाम भाई का, विकास, ठीक है ना। तो विकास भाई भी जाएंगे हमारे साथ, और अभी मम्मी के दर्शन कराओ है, माता जी के और हमारी गली की माता जी। क्या माता जी? राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? ठीक साहब, सब बढ़िया। तो अभी चलते हैं फिर पार्क, ठीक है ना। और ये हमारी गली की नाटी पूसी, नाम है इसका, देखो खतरनाक खतरनाक, देखो ये देखो, हाँ नहीं खतरनाक, देख रहे हो टाइटल भी, दाढ़ी थंबनेल भी लगा ना इसका, सलमान खान मिल गया अलग है, बंदा बेबी सीटर बना देता है हमेशा ये। और हमारी गली की मस्ती, अबे भाई दिखा, गब्बर से कम नहीं लग रहा ये, है कि नहीं। तो गाइस, मैं सोच रहा था कि यार व्लॉग कैसे बनेगा, तो अभी बनेगा बेहतरीन वाला व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं सचिन भाई? फोन लेने जा रहे हैं भाई, फोन लेने जा रहे हैं, हमारे चाचा हैं सोनू, नाम सोनू है इनका। और फोन लाएंगे बिल्कुल बढ़िया सा, आपको दिखाएंगे फोन के ब्लॉग पूरा दिखाएंगे, ठीक है ना। वीडियो में बिल्कुल बने रहे, इसकी मत करना वीडियो को, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर, देखो सचिन गाड़ी लेके आ रहा है, अभी यहाँ से गाड़ी मोड़ेगा और फिर सीधा जाएंगे फोन लेने के लिए, ठीक है ना। और अभी सर्दी ज़्यादा हो रही थी, शाम हो गई ना, तो सर्दी ज़्यादा हो रही थी, मैंने पहले स्वेटर आएगा मजा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँ, हमारी गली ना बहुत छोटी सी, फिर भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ से इधर से थोड़ा छोड़ा है, तो हम इधर से निकाल लेते घुमा के, ये देखो ये घूम गई गाड़ी घूम गई, अब चलेंगे सीधा बाहर निकाल। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं बाइक पे, और सीधा ये देखो चाचा चला रहे हैं बाइक, ठीक है। और मेरे पीछे बैठा सचिन, और हम जाएंगे सीधा अब शादरे, मतलब यहाँ से जाएंगे रोहतास नगर, क्योंकि शादरे में तो मिलता नहीं ज़्यादा, शॉप है नहीं। अब जाएंगे रोहतास नगर से फिर देखेंगे एक एक दुकान, मतलब फ़ोन लगेगा अच्छा बढ़िया सा वही लेंगे, तभी लेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि एक दुकान पे गए और पसंद आया नहीं आया पर ले लिया फ़ोन। और ओप्पो का तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि ओप्पो में अपडेट्स भी बहुत कम आते ना, तो इसलिए मैंने चाचा को एडवाइस दी कि ना ओप्पो तो बिल्कुल लेना ही मत, ठीक है। एम आई, वीवो और बाकी जो भी अदर ब्रांड है वो आप ले सकते हो, वरना वीवो तो और ओप्पो तो लेना ही मत। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा रोहतास नगर के अंदर और आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहना, इसकी मत करना, ठीक है। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अभी क्योंकि आज ऑड इवन चल रहा है ना, तो इसी चक्कर में कि एक दुकान छोड़ के एक दुकान बंद है, खुली है, तो इतनी देर के बाद हमें ये मिली दुकान। चलते अंदर है। तो दोस्तों अभी हम दुकान के अंदर आ गए, तो अभी बात, तो दोस्तों अभी आगे एक इशू आ गया कि वहाँ पर ना दुकान पे हमें जीरो बैलेंस में चाहिए फाइनेंस करवाना है, तो जीरो बैलेंस में इन पे कोई स्कीम ही नहीं अभी, मतलब 12 के अंडर में चाहिए हमें जीरो। फिर से दोबारा गली के अंदर, तो आप लोग सोच रहे होंगे फ़ोन की वीडियो दिखाई नहीं, तो दोस्तों एक इशू आ रहा था हर बार, हर इतनी सारी दुकानों पे हम गए हैं, काफ़ी सारी चेंज करी हमने दुकानें, हर चीज़ में एक इशू आ रहा था कि जो जिनका फ़ोन करवाने गए थे ना फाइनेंस जीरो बैलेंस पे, तो उन पर ना एटीएम कार्ड था ना वो था चेकबुक, तो उसी चक्कर में हमारा फ़ोन बार ना ये इशू आ रहा था। तो अब पूछा सचिन भाई बताओ क्या इशू आ रहा था। हाँ भाई, एक तो चेकबुक नहीं था भाई, नंबर ना वो थी ए टी एम कार्ड था। और भाई फ़ोन हमने काफ़ी सारे ट्राई करे और भाई बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन थे मार्केट में, पर क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे दोबारा बैंक जाएंगे, अब आज वाले हिसाब हो गया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अब बैंक जाएंगे कल, हम चेकबुक के लिए और एटीएम के लिए अप्लाई करेंगे, पर देखते हैं कौन सा जल्दी आता है, फिर उसी हिसाब से हम जल्दी से फ़ोन चाचा का फ़ोन फाइनेंस करेंगे। तो आ गए हम फिर से अपनी गली के अंदर, और इतना घूमने के बाद फिर अपने गली में दोबारे, तो वही हमारे नए आए इनका इंट्रो कराने, और ये हमारे क्या नाम है, सोएब भाई, और ये पबजी भाई, कटिंग कराने कटिंग कर सकते, पबजी प्लेयर है भाई, बहुत तगड़े हैं ये भी। तो किसी को टूर्नामेंट लगाओ ना, लगा वाली दुकान पे गए थे, शॉप पे गए थे, तो वहाँ पर भी सेम इशू आ रहा है, वो हो ही नहीं रहा फाइनेंस, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि इस पर कोई होगा नहीं जब तक आप एटीएम कार्ड या चेकबुक नहीं लाते, तो पहले अभी चेकबुक उनसे अप्लाई करवाएंगे तब होगा। अभी चलते सीधा घर पर देखते हैं क्या बनना है खाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आ गए हम अपने घर पर और देखते हैं अभी घर पर क्या बना है क्या नहीं, और अभी मम्मी जी ने बनाई हमारे चावल और साग, और अभी मम्मी जी सबके लिए कर रही हैं, ठीक है ना, तो अभी सारे बैठ के खाएंगे, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आ गया हमारा खाना, और ये साथ में आलू मटर भी है, देखो साग और चावल और आलू मटर, ठीक है। मैं आपको खाने के बाद, तो हमने खाना खा लिया है, और खाना लिटरली भाई बहुत टेस्टी बनाई थी मेरी मम्मी जी, काफ़ी टेस्टी खाना बना था। अब चलते सीधा बाहर देखते हैं क्या है बाहर का माहौल, चलते स्टोर पर देखेंगे क्या है स्टोर पर, और सचिन वैसे के टाइम पबजी का क्रेज। पबजी और घूम फिर के आ गए द्वार से गली में, क्या चीज नहीं थी, एटीएम नहीं था भाई साहब, वरना फोन तो आज निकाल के लाते हम पक्का, कौन सा कोई बढ़िया से ही होता जो रेंज में बढ़िया वाला है, हाँ 40-50 हज़ार की रेंज में जो भी बढ़िया होता। और दोस्तों हम आ गए मेडिकल के अंदर, सुबह तो मैं आया नहीं था यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें पता ब्लॉग बना रहा था, और आया हूँ शाम के टाइम। ये बैठे हैं भाई राज भाई, अमन भाई, और आ गए सुहेल भाई और फरोज भाई। हाँ फरोज भाई, हाय तो कर दो, अभी वो थोड़ा सा बिजी है क्योंकि बाहर ना पुलिस वाले हैं, हाँ मतलब वो चल रहा है ना ऑडिबन लॉकडाउन चल रहा है इसी वजह से। और अभी अभी भाई हमारे यहाँ से बिल्कुल ठीक सामने से ना अभी दो पुलिस वाले गए भाई, और हमें तो वैसे इतने डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा मेडिकल है, तो इसी वजह से, पर दिक्कत इस बात की है ना क्योंकि मेडिकल के अंदर। तो भाई अभी आए हम जितेंद्र भाई के घर में, और यहाँ पर सारे बंदे बैठे हुए हैं, ये जावेद भाई और ये हमारे मतलब इन्हीं के कोई फ्रेंड है, और ये जितेंद्र भाई जानते हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं नाउडेज ये क्या कर रहे हैं अभी, और लॉकडाउन लगवाया आप जैसे को पता है, तो आप मतलब ऐसे बंदे जो हैं ये अर्निंग कहाँ से कर रहे हैं और अपने घर में कैसे दे रहे हैं क्या है सब इनसे पूछते हैं। तो शुरुआत करते हैं जावेद भाई से। यस, तो आप अभी जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अभी आप जैसे घर से प्रेशर होगा आपका कि आप कमाने के योग्य हो गए हैं, तो मैंने 25 साल पढ़ाई करी लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। ओके। क्योंकि मुझे एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन अब मुझे अच्छी गाइडेंस मिल रही है और जल्दी ही मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। तो भाई का इतने प्यारे से लाइफ के बारे में इतने शब्द बताए जो भी है, पर थोड़ा बहुत जो भी है मोटिवेशन करने वाले इनके शब्द थे। अब बात हो, अब चलते हैं हर्ष भाई के पास, हर्ष भाई से पूछते हैं जो अभी लॉकडाउन लगवाया तो इसमें इनका भाई का खर्चा कैसे चल रहा है, तो हर्ष भाई बताइए। हाँ जी भाई,
अभी तो मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 11वीं 12वीं क्लास के कॉमर्स साइड के। ओके। और उनको 2 घंटे टीचिंग करके मेरी जो इनकम आती है उस मेरा आराम से खर्चा चल जाता है। और फिर मैं अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं MNC कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मेरी अच्छी से अच्छी MNC कंपनी में जॉब लग जाए और अच्छी से अच्छी मेरे को डेजिग्नेशन मिले और मैं अच्छी इनकम गेट कर पाऊँ और अपने घर वाले के लिए कुछ कर पाऊँ। बस भाई, और कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, हमें मेहनत करती रहनी चाहिए, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो या कोविड का सेशन चल रहा हो या ख़त्म हो जाए, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तो गाइस, आपने देखा कि हर्ष भाई ने थोड़े से अपने ज़िंदगी के दोस्तों हर्ष भाई की बात से ये पता चलता है कि इतनी शांति से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों अभी चलते हैं जितेंद्र भाई के पास और देखते हैं, जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है और जितेंद्र भाई का इस टाइम कैसे खर्चा वर्चा चल रहा है, इनसे पूछते हैं। तो जितेंद्र भाई बताइए। Hi guys, because you know that because this day coronavirus is pandemic and going on, that's why everybody has no work. So if we want only say because. तो जितेंद्र भाई, ये सब तो ठीक है, पर आप ये बताओ कि आपका खर्चा कैसे चल रहा है इस टाइम लॉकडाउन के अंदर? मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। ओके। और मेरे पास जो स्टैंडर्ड जो है वो 9th-10th का 11th बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनकी फीस अभी तक नहीं आ रही है। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन कुछ मेरा बचा हुआ बैलेंस है जी, तो मैं उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी डेली लाइफ में। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हार्ड वर्क ओपन द लॉक ऑफ लक, मेहनत ही नसीब के ताले खोलती है, और आप मेहनत करते रहिए, यही मेरी संदेश है मैं आप लोगों को। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, जितेंद्र भाई ने भी काफ़ी अच्छी बात बोली, इससे भी यही पता चलता है कि ज़िंदगी में कभी मेहनत करने से पीछे ना हटें और आप मेहनत करते रहेंगे तो आप तक सफलता ज़रूर पहुंचेगी। तो सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं और एक बार सारे जने भाई जितने भी हैं सारे कैमरे में हाई कर दें एक बार। हाय। तो हेलो गाइस, सारे सबने हाई कर दिया। तो भाई, हमारे राहुल भाई की वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे वाला बटन तो दबा कर ही आना, घंटा ही बटन। तो दोस्तों, देखा कि सब भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओके। जिसने भी भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उसको उसकी माँ की कसम है। ये एक छोटा सा मजाक था, बट जो भाई ने बोला वो बहुत ज़्यादा प्यारे शब्द है। भाई, आप इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, काफ़ी ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भाई, अगर चैनल पर मेरे तुम न्यू हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते। तो भाई, और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ भाई, अगर किसी के पास गुलाबी दाना है तो भाई को दिलवाओ। ओके। राहुल भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और इनको एक तरक्की के लेवल और हम 1000 के पर सब मिलेंगे जितने सब्सक्राइब पूरे होंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम। काट दे गए।